वाले 11 दिवसीय अयोध्या महोत्सव का आगाज 25 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। ये महोत्सव 7 मार्च तक चलेगा। वहीं इस अयोध्या महोत्सव का आयोजन अयोध्या महोत्सव न्यास कर रहे हैं। अयोध्या महोत्सव न्यास कर रहा है और अयोध्या जनपद के शहादतगंज के एक लॉन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भगवान श्री राम के नाम की धुन दिखाई पड़ेगी। मंच पर भोजपुरी सीनियर अवार्ड का भी आयोजन किया जा रहा है। इस मंच पर भोजपुरी अभिनेत्रियां रंगारंग कार्यक्रम पेश करेंगी। अयोध्या न्यास के अध्यक्ष हरीश श्रीवास्तव ने कहा कि अयोध्या महोत्सव 25 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक चलेगा और इसका उद्घाटन भाजपा के सह प्रभारी सुनील ओझा और प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा करेंगे। शहादतगंज के एक लॉन में अयोध्या महोत्सव का भव्य पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें राजा राम के अयोध्या की थीम पर अयोध्या महोत्सव का आयोजन हो रहा है। अयोध्या महोत्सव में जो प्रवेश द्वार होगा वह श्री राम प्रवेश द्वार के नाम से होगा। वहीं यही नहीं, जो मंडप बनाया जा रहा है वह भी श्री राम मंडप के नाम से होगा। अयोध्या महोत्सव के परिसर में जो कला गांव बनाया जा रहा है वो भी श्री राम कला गांव के नाम से होगा। अयोध्या महोत्सव में अवधि कलाकारों को सम्मान भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त साहित्य, चिकित्सा सेवा, अन्य क्षेत्र से विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। यह पहला अयोध्या महोत्सव होगा जब अयोध्या में ही रामलला के मंदिर के निर्माण के साथ साथ राजा राम की अयोध्या की थीम पर होगा। अयोध्या महोत्सव के चारों तरफ भगवान राम के नाम की धूम दिखाई पड़ेगी। आने वाले आगंतुकों को लगेगा कि वह अयोध्या महोत्सव नहीं अब जब बल्कि भगवान राम अयोध्या में है। और अयोध्या महोत्सव के अध्यक्ष हरीश श्रीवास्तव ने बताया कि अयोध्या महोत्सव के मंच पर भोजपुरी सीनियर अवार्ड का आयोजन 28 फरवरी को रखा गया है, जिसमें भोजपुरी के जाने माने कलाकार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाए आने आएंगे और 2020 में बनी हुई फिल्म की कैटेगरी के हिसाब से उन्हें अवार्ड से नवाजा जाएगा। भोजपुरी सीनियर अवार्ड का आयोजन जानी मानी पत्रिका सरस सलील कर रही है। अयोध्या महोत्सव 25 फरवरी 2021 से प्रारंभ होकर के 11 दिवसीय 7 मार्च 2021 को समाप्त होगा। इसका शुभारंभ 25 फरवरी को प्रातः 11 बजे उत्तर प्रदेश के भाजपा के सह प्रभारी माननीय सुनील ओझा जी करेंगे, जबकि उद्घाटन समारोह जो शाम को 6 बजे आयोजित है उसके मुख्य अतिथि माननीय मुकुट बिहारी वर्मा जी सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार है। इस महोत्सव को मुख्य रूप से भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद पहली बार महोत्सव चूंकि आयोजित हो रहा है, इसलिए इसको श्री राम राजा राम की अयोध्या इस थीम पर इस पूरे महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो हमारे प्रवेश द्वार हैं वो भी श्रीराम प्रवेश द्वार है। जो हमारा मुख्य मंडप बन रहा है वो भी श्रीराम मंडपम के नाम से बन रहा है। जो कलागांव है वो श्रीराम कलागांव के नाम से बन रहा है। इस तरह के विभिन्न राम जी को लेकर के यहाँ पर आयोजन किए जा रहे हैं। इसके साथ इसमें भोजपुरी सिनेमा अवार्ड भी है, फोक अवार्ड शो है, जो अवधिक कलाकार उनको भी सम्मानित करने के लिए है। और इसके साथ कवि सम्मेलन है, गजल भजन, इस तरह बहुत विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करने के लिए।